हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन एडवांस जोग्राफी कोर्स हम लोग बात कर रहे थे पेपर टू की और पेपर टू में बेसिकली हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक की तो फटाफट शुरू करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एंड दीज आर अदर कोर्सेज लाइक एडवांस जोग्राफी कोर्स फॉर अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड टेस्ट सीरीज़ इन दोनों की डिटेल आपको वीडियो के एंड में भी सजेशन में मिल जाएगी इसके अलावा जी के कोर्सेज एंड जी के टेस्ट सीरीज के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई गुरु प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो तो आप फिर अगेन इसको भी इनरोल कर सकते हैं सिलेबस वाइज अगर देख ली जाए एग्रीकल्चर में तो देखिए वी हैव कवर्ड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कवर किए हैं तो हम लोग ये टॉपिक कवर कर चुके हैं दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज क्लास बाकी क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं इंटेंसिटी डिस्कस कर चुके हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन डिस्कस हो गया है लैंड कैपेबिलिटी एग्रो एंड सोशल फॉरस्ट्री ग्रीन रिवोल्यूशन अभी हमारा डिस्कस नहीं हुआ है तो दिस इज द लेफ्ट वन टॉपिक फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राई फार्मिंग हो चुकी है लाइव स्टॉक कंप्लीटेड एक्वा कल्चर सीरीकल्चर एंड ऑल दैट ये सारे भी कंप्लीट हो गई हैं एंड लास्ट के जो तीन टॉपिक्स हैं और ये रह गए हैं तो इट विल टेक नियर अबाउट टू मोर क्लासेस वन विल बी डेडिकेटेड टू ग्रीन रिवोल्यूशन और लास्ट क्लास विल बी डेडिकेटेड टू दीज टॉपिक्स दीज आर एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन जहाँ पर कई सारी थ्योरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे जस्ट लाइक आर एन सिंह की थ्योरी और इस तरीके से कई सारी थ्योरीज हैं दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट डिस्कशन ऑफ़ दिस टॉपिक फटाफट शुरू करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज इरीगेशन सीड्स फर्टिलाइजर एंड पावर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर अब देखिए इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कुछ विशेषताएं हैं और उसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स भी हैं तो कुछ चीज़ों में तो अच्छी है लेकिन कुछ चीज़ों में देर इज़ अ प्रॉब्लम तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर इज बेसिकली सब्सिस्टेंस इन कल्चर इसके पीछे कारण है इसकी हिस्ट्री का सो द थिंग इज इंडिया में अगर हम लोग देखते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन से ही हमारा जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और एग्रीकल्चरल सोसाइटी का मतलब यहाँ पर रिवर के कोने पर ही रिवर के मुहाने पर रिवर बेसिन पर ही एग्रीकल्चर लोग करते थे उसी के बेस्ड सेटलमेंट होती थी और सेटलमेंट के बेसिस पर लोग अपनी जो भी सब्सिस्टेंस खाना पीना ये लोग करते थे ये सारा जो कल्चर है बेसिकली यही आगे इनहेरिट होता रहा है अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुई है रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई है बट ये लैंड तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है प्लस इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ कई रिप्रकशंस भी हो जाते हैं जिसके कारण से गवर्नमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर पहले इसे अप्लाई करती है इसके इफ़ेक्ट्स को देखती है और उसके बाद फिर एक अप्रूवल देती है कि हाँ ठीक है अब इन्हें आगे फॉर्म पर अप्लाई किया जा सकता है लेकिन इसमें क्या होता है काफ़ी टाइम लग जाता है एंड द टाइम इज नियर अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स जिसके कारण से हमें मेजर चेंज काफ़ी कम देखने को मिलता है जस्ट लाइक like हमें 1966 के नियर अबाउट में ग्रीन रिवोशन देखने को मिला था नाइनटीन तक हमें कई सारे रिवोल्यूशन देखने को मिल गए थे तो ये टाइम लेता है इट टेक्स टाइम लेकिन यहाँ पर कही न कहीं ना कहीं कई और भी इश्यूज़ हैं जैसे कि पोवर्टी गरीबी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है दूसरा लोगों का बिहेवियर एटीट्यूड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड यहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स होने चाहिए और थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी इग्नोरेंस ये अल्टीमेटली सबसिस्टेंस कल्चर को ही जन्म देती है तो सब्सिस्टेंस इज़ ए कल्चर जो कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी है लेकिन ये प्रॉब्लम भी है क्योंकि कहीं कही ना कहीं ये इंडियन एग्रीकल्चर की जो पोटेंशियल है उसको कहीं कही ना कहीं ये दबा दे रही है क्योंकि सब्सिस्टेंस में ये है कि जो आपकी पोटेंशियल है जो आपकी कैपेसिटी है उससे काफ़ी कम लेवल पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं प्रोड्यूस ईल्ड कर रहे हैं तो इसके कारण से सीधी सी बात है कि यहाँ पर जितनी भी लैंड कैपेबिलिटी है उस लैंड कैपेबिलिटी के बेसिस पर जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है एंड अल्टीमेटली इट इज़ अगेन लीडिंग फार्मर टू ट्रैप इन पोवर्टी पोवर्टी में ट्रैप हो जाते हैं तो अपने आप में एक बड़ा इशू है ये सेकेंड थिंग इज हैवी प्रेशर ऑन पॉपुलेशन अब जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर डिस्गाइ्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है तो यहाँ पर होता क्या है कि परिवार के जितने भी लोग होते हैं सब लोग चलो एग्रीकल्चर में ही वहीं पर खेत में चलेंगे वहीं पर जो भी करना है वो करेंगे तो ये अपने आप में डिस्गज अनएम्प्लॉयमेंट है पीपल आर कंसिडरिंग दम सेल्फ एज एम्प्लॉयड बट दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड और वो किस लिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इलिटरेसी की प्रॉब्लम है एजुकेशन प्रॉब्लम है थोड़ी सोशल प्रॉब्लम भी है थोड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है जिसके कारण से ये अल्टीमेटली हैवी प्रेशर पड़ जाता है इस एग्रीकल्चर पे तो इस कारण से डिस्गइजन एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है थर्ड थिंग इज़ प्री डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन अब यहाँ पर इंडिया में क्या होती है दो प्रॉब्लम है फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जितने भी रिवोल्यूशन्स uh, हुए हैं वो बेसिकली सीरियल्स के लिए ही हुए हैं अभी सीरियल्स में मेनली आ जाती है हमारी वीट आ गई या फिर पल्सेज आ गई या फिर हमारी राइस वगैरह आ गई तो इन पर ही मेनली हम लोगों को एक इफ़ेक्ट देखने को मिला है दिस इज़ नंबर वन सेकेंड थिंग जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिवस भी होते हैं जैसे लाइक एम एस पी वगैरह ये मेनली सपोर्ट करते हैं इन्हीं क्रॉप को एक तरीके से आप बोल सकते हैं फूड ग्रेन्स को ही ये बेसिकली ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के कारण से होता क्या है कि लोगों का मतलब कि फार्मर का भी बिहेवियर यही होता है कि भाई इसमें फ़ायदा है इसी को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो ये भी एक इशू हो जाती है थर्ड इशू ये होती है कि जैसे फार्मर को भी अपना एक इंश्योरेंस रखना होता है कि भाई खाने पीने की चीज़ें मेंटेन रहें तो आगे पैसा आए चाहे ना आए लेकिन एटलीस्ट घर में अनाज होना चाहिए खाना होना चाहिए तो इसके कारण से भी ये लोग फूड ग्रेन उगाते हैं अब जैसे जिसके भी घर में एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है तो वो लगभग लगभग हर एक चीज़ बोते हैं जैसे अगर वो घर पे हैं तो घर के पास में ही वो अपनी मूंगफली वगैरह लगा लेंगे साथ ही साथ मिर्च के या फिर धनिया या फिर मतलब जितने भी आपके आइटम्स होते हैं चाहे वो आपकी वेजिटेबल्स से रिलेटेड हो चाहे गार्लिक से रिलेटेड हो मसाले से रिलेटेड हो या फिर हमारी फूड क्रॉप से रिलेटेड हो तो वो लगभग लगभग अपनी जरूरत की हर एक चीज़ को उगा लेते हैं और इसी कारण से वो अपने आप को एक कह लीजिए कि एक मेंटेन uh, रहते हैं कि हाँ ठीक है फ्यूचर में कुछ भी होता है तो एटलीस्ट वी विल हैव अ फूड सो दैट एटलीस्ट हम लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकेंगे तो ये तीन इशू होते हैं जिसके कारण से प्री डोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन है तो अपने आप में जो इश्यूज़ हैं वो भी अपने आप आप समझ रहे हैं कि क्या दिक्कत आ सकती है फिर होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग दिस इज एक्चुअली अ बेटर थिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है अब देखिए कई लोगों को प्रॉब्लम होती है मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग चीज़ होती है और मिक्स्ड फार्मिंग अलग चीज़ होती है मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जहाँ पर फार्मर फार्म farm पे तो काम करता ही करता है साथ ही साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करता है गाय पाल लेगा भैंस पाल लेगा भेड़ बकरियाँ या जो भी चीज़ें हैं जो एनिमल हस्बेंड्री भी करता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये होता है अब अगेन ध्यान से सुनिएगा मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब ये है जैसे सपोज़ फार्मर ने गेहूं लगाया ठीक है गेहूं लगाया तो यहीं पर इसने क्या करना है कि मस्टर्ड भी बीच बीच में लगा देगा तो इससे क्या होगा कि सरसों भी इसका हो गया जिससे सरसों का ऑयल वगैरह की एक कह लीजिए सफिशियंसी हो गई और दूसरा वीट अपने खाने के लिए भी और मार्केट के लिए भी इसने कर लिया तो ये बेसिकली मिक्स्ड क्रॉपिंग ही होती है इसी तरीके से जब राइस खरीफ की सीजन होती है तो वहाँ पर भी कॉम्बिनेशन इस तरीके से बिठाया जाता है कि ये खाने पीने की अपनी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं इसमें ये लोग भुट्टा यानी कि आपकी जो कॉर्न है इसी तरीके से वीट राइस पल्सेस इन सब चीज़ों को एक मेंटेन कर लिया जाता है कि एटलीस्ट उनको खाने पीने की दिक्कत ना होने पाए तो ये मिक्सड क्रॉपिंग होती है तो दिस इज़ ए गुड एटीट्यूड ऑफ द फार्मर फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग सॉइल के लिए भी अच्छा होता है इकोलॉजिकल भी अच्छा होता है तीसरी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इंटेंस कल्टीवेशन की तरफ एक स्टेप होता है सो दिस इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली लेकिन यहाँ पर क्या अभी इसको प्रमोट करने की जरूरत है और इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा इग्नोरेंस देखने को मिल जाता है नेक्स्ट इज हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ अंडर कल्टिवेशन वन सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ ओके हाई परसेंटेज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया अंडर कल्टिवेशन अब देखिए ये अपने आप में अच्छी भी चीज़ है और ये अपने आप में बुरी चीज़ भी है अच्छी चीज़ लीज इसलिए है क्योंकि देखिए अगर कल्टिवेशन के लिए हाई परसेंटेज रहेगा एरिया अंडर कल्टिवेशन जहाँ हाई रहेगा तो इससे क्या है कि ईल्ड भी ज़्यादा होगी ऐसा मान सकते हैं हम लोग और ईल्ड के कारण से सीधी सी बात है प्रोड्यूस भी होगा प्रोड्यूस होगा तो सीधी सी बात है हम लोग इसे आगे जा कर के एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे पहली चीज़ दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग इसे आगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ा सकेंगे जिससे ये इसकी वैल्यू एडिशन कर सकेंगे गेहूं उगाएंगे तो पिज्ज़ा बना सकते हैं पिज्ज़ा बना करके डिलीवर कर सकते हैं तो इस तरीके से अल्टीमेटली फार्मर को अच्छा फ़ायदा मिलेगा और कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा लेकिन अपने आप में ये प्रॉब्लम भी है प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप एग्रीकल्चर करेंगे किसी एरिया पर उतना ही ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी को नुकसान होता है फर्टिलिटी को नुकसान होगा तो सीधी सी बात है आगे जा कर के पहले फेलो लैंड होगी फेलो लैंड के बाद ये फिर बैरन लैंड हो जाएगी तो अपने आप में क्या है कि एक प्रॉब्लम हो सकती है एल्कलाइन हो सकती है सॉइल आगे जा कर के और उसके बाद जा करके ये पूरी तरीके से बैरन हो सकती है तो हर चीज़ की अपनी एक पोटेंशियल होती है हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है अगर उसको रेगुलरली उस कैपेसिटी पे यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी प्रॉब्लम इन फ्यूचर और यही चीज़ ये प्रॉब्लम आ सकती है जैसे कि पंजाब में आजकल आ रही है कि वहाँ पर सॉल्ट पैंस आ गए हैं सॉयल एल्कन हो गई है फर्टिलिटी काफ़ी ख़राब हो गई है कंटिन्यूसली उस पर केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह अप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है कि वो ज़मीन अब ऊसर होते जा रही है बैरन होते आ रही है आगे स्मॉल साइज ऑफ फोल्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ फील्ड होता है यहाँ पर इंडिया में ये है कि अगर पिताजी ने अगर चार एकड़ की जमीन रखी है तो इनके अगर चार लड़के हुए तो अल्टीमेटली सबके पास एक एक एकड़ आ जाएगी अब क्या होगा कि भाई तो शुरू में भाई होंगे लेकिन बाद में फिर दुश्मन हो जाएंगे तो होगा क्या कि एक एक, एक एकड़ में एक बंदा कहेगा कि हम गेहूं उगाएंगे तो दूसरा वाला कहेगा हम कुछ नहीं करेंगे तीसरा वाला कहेगा हम इसमें पल्स लगाएंगे चौथा वाला कहेगा कि जो है हम इसमें जो है मुर्गी फार्म खोलेंगे तो ये क्या है कि अपना ये फार्म वगैरह खोल दिया इसने तो कभी भी चारों एक साथ मिल करके अगर काम करेंगे तो यहाँ पर ट्रक फार्मिंग हो सकती है और काफ़ी अच्छा मेकेनाइज फॉर्मेट में काम हो सकता है प्रोड्यूस भी काफ़ी अच्छा आएगा लेकिन क्या है चारों एक मतलब चारों चार डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सीधी सी बात है इसका अपने आप में दिक्कत हो जाएगा अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर जो बंदा फार्मिंग कर रहा है जो वीट वगैरह ये सब फार्मिंग कर रहा है उसे क्या है कि हैवी कॉस्ट देखना पड़ेगा क्योंकि इसे अब अगर मान लेते हैं कि कोई भी मशीन को अगर बुलाना भी है ट्रैक्टर को अगर बुलाना है कि भाई आ जाओ मेरा खेत को जो है प्लॉ कर दो तो उसके लिए उसे हैवी कॉस्ट पे करना पड़ेगा वहीं अगर ये आगे सब लोग मिल कर के करते तो कॉस्ट शेयर हो जाती और इससे क्या है प्रोड्यूस भी ज़्यादा होता और आसानी भी ज़्यादा हो जाती तो ये एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है हमारे इंडिया में स्मॉल साइज़ होल्डिंग हो जाती है इसके अलावा देखिए एक, एक और प्रॉब्लम होती है यहीं पर इसी स्मॉल इस साइज़ है क्या कि मान लेते हैं कोई एक बंदा है इसकी अगर चार एकड़ खेत है अगर चार एकड़ अगर मान लेते हैं कि इसकी फील्ड है तो ऐसा नहीं सब एक जगह पर ही है कोई यहाँ पर है कोई दो किलोमीटर दूर है कोई जो है यहाँ कहीं है तो ये क्या है इसकी जो फॉर्म है वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसके कारण से वो कोई एक एक्शन नहीं ले पाता है इंटीग्रेटेड एक्शन नहीं ले पाता है उसे क्या है हर एक फील्ड के लिए अलग अलग चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है एलिनेशन के कारण से नेक्स्ट इज लिमिटेड इंटेंसिव एग्रीकल्चर तो हम लोगों ने इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में देखा था यहाँ पर भी मिक्सड क्रॉपिंग में भी और हम लोगों ने देखा कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जा रही है दिस इज गुड एंड दिस इज एक्चुअली कॉमर्शियल इन नेचर लेकिन ये सब लोग नहीं कर रहे हैं इसका परसेंटेज काफ़ी ज्यादा कम है और जनरली वही कर रहे हैं जो थोड़े से अर्बन एरियाज के पास में है जस्ट लाइक द थ्योरी ऑफ वॉन्थ्यूनियन वॉन्थ्यूनियन ने जो डिस्कस किया था सेम वैसा ही आप यहाँ पर भी कुछ रिलेट कर सकते हैं तो ये अपने आप में एक इशू हो जाएगा इसके अलावा रीजनलाइजेशन जो कि विटल से ने भी डिस्कस किया था उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही बातें कही थी एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन को लेकर के आगे प्रिमेटिव टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब के सब प्रिमेटिव है आज भी जो खेतों में काम की जाती है वो भी ट्रेडिशनल तरीके से ही प्रमेटिव तरीके से ही की जाती है तो एटलीस्ट अब तो खैर आपको हल और बैल देखने को नहीं मिलेगा या कई बैकवर्ड जगहों पर वो भी देखने को मिल जाती है लेकिन यह है कि अब आजकल जो है एटलीस्ट ट्रैक्टर से तो प्लाव वगैरह किया ही जा रहा है लेकिन अपने आप में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो आज भी प्रमेटिव टेक्नोलॉजी ही यूज़ की जा रही है इसके अलावा देखिए इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है और लेबर इंटेंसिव का मतलब यही होता है कि यहाँ पर जैसे सीजनल होती है अगर मान लेते हैं किसी सीजन में जैसे राइस ही है तो राइस में क्या है कि शुरुआती दिनों में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ी सी लेबर लगेगी फिर उसके बाद से जब हार्वेस्ट पीरियड रहेगी तब लगेगी बीच में ये पूरा खाली होता है तो इस कारण से होता क्या है कि अचानक से बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है और अचानक से ही गायब हो जाता है तो एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है ये जिसमें सिक्योरिटी ज़ीरो है इसके अलावा रेनफेड एग्रीकल्चर है यहाँ पर क्या है कि इरीगेशन की उतनी व्यवस्था अभी डेवलप नहीं हुई है हर एक जगह के लिए जिसके कारण से मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं वो आज भी रेन पे मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है जिसके कारण से अपने आप में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर अवेलेबिलिटी तो इस कारण से क्या होती है कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है विद द प्रोडक्टिविटी विद द ईल्ड एंड फार्मर्स चॉइस तो सबके साथ में एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है लेस लैंड अंडर लेग्यूमिनस एंड फोडर क्रॉप होता क्या है कि फर्टिलिटी के लिए आपको एक क्रॉप कॉम्बिनेशन बनानी होती है मिनरल कंपोजिशन के लिए क्रॉप कॉम्बिनेशन बनानी होती है तो उसमें एन पी के का रेशियो हमें मेंटेन करना होता है लेकिन क्या होता है जब एक ही क्रॉप को बार बार आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एन पी के का जो रेशियो होता है वो अस्टाब्लिश नहीं हो पाता है जिसके कारण से क्या होता है कि अब ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो डिस्टर्ब होने के लिए जैसे बीमारी होती है तो क्या करते हैं आप दवा खाते हैं तो इनको भी क्या है दवा फर्टिलाइजर के रूप में दे दी जाती है लेकिन होगा क्या कि ये लगातार जब फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाएगा केमिकल अप्लाई किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो सॉइल की रीबिल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी खराब हो जाती है जस्ट लाइक ह्यूमन में एंटीबायोटिक लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो इस कारण से जो तरीका होना चाहिए एंड दैट इज़ ऑब्वियसली साइंटिफिक तरीका वो फॉलो ना करके अगर कंटिन्यूसली अगर अप्लाई किया जाएगा तो देयर विल बी प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम अल्टीमेटली लैंड को बैरन बना देता है इनफर्टाइल बना देता है तो इस कारण से दिक्कत हो जाती है तो ये भी अपने आप में एक इशू भी है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वीट राइस ये सब उगाना पसंद करते हैं बजाय कि पल्सेज एंड अदर ड्राई लैंड फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि सोयाबीन मूंगफली ये सब चीज़ें इसके अलावा ट्रेडिशनल बाउंड है तो ट्रेडिशनल बाउंड का मतलब तो यही चीज है कि पुरानी चीज़ें जिस तरीके से चलते आ रही हैं वैसे ही आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है बिहेवियर में चेंज नहीं आ पा आ रहा है जिसके कारण से भी एक दिक्कत आ रही है लो प्रोडक्टिविटी है और लो प्रोडक्टिविटी का कारण यही है कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो लैंड तक नहीं आ पा रही हैं जिसके कारण से तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए एक होती है सीड अगर ये सीड हाई ईल्ड नहीं लिया जाएगा एच वाई वी सीड नहीं लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली सीड की अपनी एक कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी पर ही वो ईल्ड देगा धीरे धीरे ये कैपेसिटी खराब होती जाती है तो इस कारण से ईल्ड जो है वो सही नहीं आएगी तो इस वजह से भी प्रोडक्टिविटी लो है सेकेंड थिंग जो जरूरी चीज़ होती है वो होती है इरीगेशन अब सीधी सी बात है अगर इरीगेशन इसे प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलेगा केवल मानसून पर ही डिपेंडेंट रहेगी तो देयर विल बी प्रॉब्लम कुछ क्रॉप जो है वो फेल हो जाएंगी कुछ क्रॉप जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे तो इस कारण से जो ईल्ड आएगी जो प्रोडक्टिविटी आएगी वो भी खराब आएगी तीसरी जो चीज होती है वो होती है फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर अब फर्टिलाइजर में क्या होता है कि जो मेन इसमें चीज होती है मेन कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन लेकिन हमें चाहिए होता है एन पी के तो यहां पर क्या है कि एन को अगर आप बहुत ज्यादा ही नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा ही अगर अप्लाई कर देंगे तो क्रॉप तो ठीक है हो जाएगी लेकिन इन फ्यूचर दैट विल नॉट बी सस्टेनेबल वो अपने आप में फिर एक आफ्टर इफेक्ट दिखाएगी और आफ्टर इफेक्ट बैरन लैंड के रूप में ही निकल करके आ रही है फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं अब गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि देखिए एमएसपी तो निकाली जाती है कई सारे क्रॉप के लिए लेकिन एम एस पी निकालना और एमएसपी पे प्रोक्योर करना ये दो बातें होती हैं गवर्नमेंट कह तो देती है दैट वी विल प्रोक्योर बट गवर्नमेंट इज एक्चुअली नॉट प्रोक्योरिंग प्रोक्योर करने के लिए जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव क्रॉप होती है वो होती है राइस वीट क्यों क्योंकि इन्हें फिर आगे पल पी डी एस में देना होता है तो इस कारण से क्या होता है कि इनकी ज़्यादा डिमांड होती है गवर्नमेंट भी इसको परचेस करती है और इसी वजह से फार्मर का भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट बना होता है कि हमें रीट वीट और राइस ही उगाना है तो यह भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी बनी रहती है इसके अलावा अगर कोई भी डेवलपमेंट करनी है चाहे मेकेनाइजेशन करना है इरीगेशन करना है या कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट फिर लोन प्रोवाइड करती है और लोन प्रोवाइड करने के लिए बोल तो देती है कि बैंक को लोन प्रोवाइड करना चाहिए लेकिन एक्चुअल में बैंक आर नॉट रेडी टू गिव दैम लोन क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता है अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बना दी कि इनको फोर्टी जो है लोन देना पड़ेगा एग्रीकल्चरल को इनके अलावा अगर इन्होंने अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह खोला है या फिर आर वगैरह खोली है तो अल्टीमेटली इनको क्या है सेवेंटी देना पड़ेगा इन द फॉर्मेट ऑफ एग्रीकल्चरल लोन लेकिन वो ये सब क्या होती है बैंक जो है इनका दूसरा रास्ता निकाल लेती है वो फिर इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट को फिर अल्टीमेटली दे देती है कि भैया लीजिए आप आप हमें हम अगर आपको देंगे दैट विल बी मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू द फार्मर कारण से दिक्कत हो जाती है दूसरी चीज गवर्नमेंट क्या क्या करती है 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 कि यहां पर इनको बैंक 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 को बोल तो देती देती दे दे भी भी देते हैं नो डाउट बैंक दे भी देती है। फिर उसके बाद से होता है? लोन जब चुका नहीं पाते हैं तो गवर्नमेंट क्या है लोन वेवर कर देती है लेकिन लोन वेवर केवल और केवल यह अनाउंसमेंट करती है बैंक हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं कि भैया पैसा हमको आया ही नहीं तो पैसा नहीं आएगा तो बैंक क्या है कि एनपीए में इनका सारा का सारा अमाउंट चढ़ते आएगा एनपीए में चढ़ते आता है तो गवर्नमेंट तो उसे देख भी नहीं रही है लेकिन बैंक के पास तो भाई लिमिटेड अमाउंट है बैंक को तो एनपीए कैलकुलेट करना ही पड़ेगा तो इस कारण से होता क्या है कि आगे अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत शॉर्टेज आ जाती है फिर बैंक अब लोन देना और नहीं चाहती है तो एक अपने आप में इशू हो जाता है सो दैट इज द थिंग ठीक है आगे अगर देखें तो लैक ऑफ डिफाइंड एग्रीकल्चरल लैंड पॉलिसी दैट इज अगेन एन इशू जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया लैक ऑफ मार्केटिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी अब देखिए हमारे पास होता क्या है कि वी हैव फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफ सी आई अभी एफ सी आई प्रोक्योर कर लिया जाता है जब एम एस पी पे तो अल्टीमेटली जो पैसा मतलब कि जो फूड क्रॉप्स होती हैं वो एफ सी आई पर आ जाती हैं अब एफ सी आई में क्या होता है कि कहने के लिए तो हमारे पास बड़ा अच्छा स्टोरेज है सब कुछ अच्छा है लेकिन होता क्या है यहाँ पर क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है यहाँ पर क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं इस्पॉल हो जाती हैं और वो स्पॉय होने का कारण ये होता है कि पानी लग जाता है या फिर चूहे वगैरह खा जाते हैं या इस तरीके से क्या होती है कि अल्टीमेटली एफ में फूड की जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है उन कई सारे ख़राब भी हो जाते हैं तो फेंक देना पड़ता है तो ये अपने आप में इशू है सबसे पहली दूसरी क्या है कि अगर राइस और पल्सेस तो राइस और वीट तो ठीक है लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स भी होते हैं जिनको कोल्ड चेन में रखना होता है एंड कोल्ड चेन को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इंडिया नहीं कर पाई है आगे बात करें तो लो स्टेस ऑफ एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी सीधी सी बात है एग्रीकल्चर को इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में लिया ही नहीं जाता है हमेशा सेकेंडरी रखा जाता है क्योंकि सीधी सी बात है अगर आप वीट बेचेंगे तो जितना पैसा कमाएंगे फ्लोर बेचेंगे तो जितना पैसा कमाएंगे और अगर इसी को आप पिज़्ज़ा बेस बना करके बेचेंगे तो जितना कमाएंगे और अल्टीमेटली पिज़्ज़ा ही बना करके बेचेंगे तो जितना कमाएंगे कंपेयर कर लीजिए कितना में क्या बिक रहा है तो ये अपने आप में एक इशू भी है इस कारण से सबसे कम चूंकि एग्रीकल्चर है यानी कि वीट है इस कारण से क्या होता है इसे बड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है इसे फोकस इसे इग्नोर किया जाता है बेसिकली एंड द रीज़न इज पॉवर्टी गरीबी के कारण से ये काम करना होता है क्योंकि ये भी लोग मजबूर हैं कि भाई आगे ये पहुँचाएंगे नहीं तो ये लोग बाउंड भी कर देते हैं तो इस कारण से दिक्कत है तो ये क्या है लो स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी इज़ अ प्रॉब्लम नेक्स्ट लैंड टेनेंसी अब देखिए लैंड टेनेंसी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था जब हम लोगों ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लैंड यूटिलिटी इन सब के बारे में डिस्कस किया था तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि क्या कुछ किया गया है पॉवर्टी एंड इंडेपेट्स ऑफ द फार्मर तो ये सारा का सारा इशू तो यहीं पर लिंक होता है अल्टीमेटली फार्मर क्या होते हैं जैसे शुगर केन की कहानी देख लीजिए शुगर केन में क्या होता है कि आपको वन सेकेंड शुगर केन में क्या होता है कि सपोज़ मान लेते हैं कि आपने जनवरी के सीज़न का आपने मान लेते हैं कि क्रॉप उगा करके दिया तो अब क्या होता है जो शुगर केन के लिए आपको पता है कि एफ निकाली जाती है ठीक है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस तो जो यहाँ की कंपनी होती है या फिर कह लीजिए जो फैक्ट्री होती है जो शुगर मिल्स वगैरह होती हैं वो हाथों हाथ पैसा नहीं देते हैं वो नेक्स्ट सीजन में देते हैं नेक्स्ट सीजन में जब आपके गन्ने का जब आपके शुगर केन का शुगर कन्वर्जन हो जाएगा देन तब दिया जाता है इससे क्या होती है कि फार्मर का पैसा फंसा रह जाता है तो फार्मर का एक तो वैसे भी गरीबी ऊपर से फार्मर का पैसा फंस गया तो फिर वो क्या करता है कि नेक्स्ट क्रॉप के लिए उसके पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि वो फिर नए क्रॉपिंग के लिए बेटर तरीके से कर सके तो इस इस तरह से होता क्या है कि एक तो या तो उनका पैसा फंसा रह जाए और कंटिन्यूसली उस तरीके से आप साइकिल को घुमाते रहिए दूसरा इशू क्या होता है कि अगर एक बार वो इस तरीके से पैसा जब फंस जाता है तो फिर वो दूसरी क्रॉप पर स्विच हो जाता है दूसरी क्रॉप पर स्विच होने का मतलब हो गया कि वापस से वो सीरियल्स पे आ जाता है कि भाई चलो गेहूँ चावल ही उगा लेते हैं और उससे खाने को भी मिलेगा पैसा भी हाथों हाथ मिल जाएगा तो इस कारण से क्या होता है कि जो शुगर केन वाली होती है क्रॉपिंग या शुगर केन के लिए जो फॉर्म बनी होती है उस पर भी गेहूँ चावल ही उगाए जाना शुरू हो जाता है जो कि अपने आप में एक इशू है और ये इशू पॉवर्टी और इनडेप्टनेस के कारण से ही बना हुआ है होता क्या है कि फार्मर कई बार क्या होता है कि चूँकि इनको इंस्टीट्यूशनल लोन्स नहीं मिल पा रहा है और इंस्टीट्यूशनल लोन क्यों नहीं मिल पा रहा है उसके बारे में अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात किया था बैंक्स वगैरह का इशू तो इंस्टीट्यूशनल जब नहीं मिलेगा तो भैया पैसा तो लेना ही पड़ेगा इन्हें तो ये क्या करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि मनी लेंडर वगैरह के पास चले जाते हैं अब देखिए एन जो है जितनी भी एन है वो आपको गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दे देगी लैंड खरीदने के लिए पैसा दे देगी सब कुछ खरीदने के लिए पैसा दे देगी लेकिन फार्मर को पैसा नहीं देगी क्योंकि उसे भी पता है पैसा आएगा नहीं और पैसा आएगा नहीं तो एन तो वैसे भी बेचारी लुटी हुई है डी का केस आपने सुना ही होगा तो इस कारण से क्या होता है कि ये लोग पैसा नहीं मिल पाता है कहीं से भी इनको क्रेडिट नहीं हो पाती है इस कारण से क्या है अल्टीमेट सोर्स मनी लेंडर के पास चले जाते हैं मनी लेंडर भी क्या कहता है कहता है आओ मौका बढ़िया है लूटेंगे तो ये क्या करता है कि इनकी जो ज़मीन है इनकी जो फार्म है इनकी जो फील्ड है बेसिकली उसी को अपने नाम लिखवा लेता है कि अगर आपने लोन दिया देन इट इज़ ओके वी विल गिव यू बैक और अगर नहीं दिया तो फॉर्म हमारी हो जाएगी तो इस कारण से क्या होता है फार्मर को एक थ्रेट भी रहता है कि भाई उसकी जो ज़मीन है वो तक चली जा सकती है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो इस कारण से क्या होता है कि मनी लेंडर के पास कई बार या अगर पैसा हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर अल्टीमेटली खेत जो है वो चला जाता है मनी लेंडर के पास इन ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज अब देखिए जितनी भी हम लोगों ने एक्सटेंशन सर्विसेज वगैरह डेवलप भी किया है इन्फ्रास्ट्रक्चर हो गई इरिगेशन हो गई या फिर मेकेनाइजेशन भी हो गया तो वो सब तक नहीं जा सकती है जैसे कि सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में ही बात करें सोइल हेल्थ कार्ड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सब कुछ अच्छा है लेकिन जब इसकी इवेल्यूएशन इवेल्यूएटेड जब रिपोर्ट आई है तो यहाँ पर यही कहा गया है कि दिस स्कीम हैज वर्कड वेरी वेल बट नॉट एवरीवेयर क्योंकि हर जगह पर जा पाना वॉज नॉट एक्सेसिबल हर जगह जा पाना पॉसिबल नहीं था और इस कारण से जहाँ पर इन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड का यूज़ किया है वहाँ पर तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट निकल के आया है लेकिन जहाँ नहीं जा पाए वहाँ पर आज भी कहानी वैसे ही है तो एक्सेसिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की भी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी एटीट्यूडिनल बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है तो ये भी अपने आप में एक इशू है नेक्स्ट इज़ इन एडिकुएट एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन अब जैसे क्या है कि अब तो ठीक है एग्रीकल्चरल एजुकेशन काफ़ी बढ़ गई है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट भी कई सारे ओपन हो गए हैं इवन इन यूपी भी अगर आप देखेंगे तो सात आठ इंस्टीट्यूट तो है ही है लेकिन वहीं दूसरे इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बायोटेक्नोलॉजी की या फिर इंजीनियरिंग की या फिर जितने भी चीज़ों के देखेंगे हाँ तो वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चरल रिसर्च तो इस कारण से भी जो है एक इशू बन जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर में उतनी रिसर्च नहीं हो पा रही है और रिसर्च का मतलब यही है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है अब इनफैक्ट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी होती है और ऐसा मुझे नहीं लगता है किसी को पता भी होगा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग नो आई हैव दिस इंजीनियरिंग सेक्टर तो ये वाला डिपार्टमेंट कहीं पर भी नहीं है तो ये अपने आप में क्या है कि इशू है कि वी हैव द इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर वी डू नॉट हैव इन आवर टॉप रेप्यूटेड कॉलेजेस अब हो गया हो तो बात अलग है बट इट वॉज नॉट देयर इन माई टाइम सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन तो सॉइल इरोजन सॉइल डिग्रेडेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है और ये इशू क्या है नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों कारणों के कारण से तो नेचुरल भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी कारण है और इसके बारे में तो ऑलरेडी आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या इशू हो सकते हैं और क्या क्या इशू इनफैक्ट आते हैं आगे देखें सो वी हैव डन ओके सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ़ द एग्रीकल्चर तो जितनी भी चीज़ें हैं वी हैव ट्राइड टू कवर बाकी देखिए देर आर लॉट मोर इश्यूज़ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसको कि आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर और फार्मर से अगर रिलेटेड लिखेंगे तो इनके पास घर भी नहीं होते हैं हाउसिंग प्रॉब्लम है पावर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये सब भी अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही है एग्रीकल्चर के लेकिन मोरऑलैस यहाँ पर चीज़ें कवर की गई हैं सो यू कैन अगेन यूज दीज पॉइंट्स इन योर आंसर आगे बात करें सो नेक्स्ट थिंग डिटर्मिनेट्स ऑफ एग्रीकल्चर कि आखिर में कौन कौन से डिटर्मिनेट्स हैं क्या क्या चीज़ें एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए तो देखिए यहाँ पर क्या है कुछ कैटेगराइजेशन कर सकते हैं हम लोग जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स एग्रीकल्चर को अगर आपको डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई आपको एग्रीकल्चर करना कहाँ पर है किस तरीके की टोपोग्राफी पे करना है अब जैसे मान लेते हैं कि अगर माउंटेन में करना है तो देखिए माउंटेन में क्या होता है यहाँ पर एन का रेशियो बड़ा अलग होता है सॉइल की जो अवेलेबिलिटी होती है वो अलग होती है ह्यूमस कंटेंट जो है वो अलग होता है इस कारण से क्या होती है यहाँ पर खेती भी अलग टाइप की ही की जाती है नंबर टू यहाँ पर जो रेनफॉल का हिसाब किताब है वो भी थोड़ा सा अलग टाइप का होता है रोज रेनफॉल हो सकती है इनफैक्ट नॉट ओनली दिस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी होता है जिसके कारण से अगेन रात में भी आपकी जो कह लीजिए कंडीशन होती है वो उल्टी होती है तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर होती है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर होती है और मॉइस्च मॉइस्चर वाली क्रॉप्स वगैरह उगाई जाती हैं जस्ट लाइक टी वगैरह हो गया ये सब काम यहाँ पर किया जाता है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो होती है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी और टोपोग्राफी अगर अलग है टेरेन अगर अलग है खल, क्लाइमेट अगर अलग है सॉयल अगर अलग है तो सीधी सी बात है डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलेगा अब देखिए ये सारा जितना भी टर्म लिखा गया है टेरेन टोपोग्राफी क्लाइमेट एंड सॉइल ये एक्चुअली एक साथ काम करता है ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करता है बिकॉज अगर आप माउंटेन पर जाएंगे तो वहाँ माउंटेनियस सॉयल भी होगी माउंटेन पर क्लाइमेट भी आपको अलग टाइप का मिलेगा यहाँ की टेरेन तो खैर आपको पता ही है किस तरीके से होती है सो so, यहाँ पर कंप्लीट मैनर में एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है एक कंप्लीट डिफरेंट एग्रीकल्चरल रीजन मिल जाता है इनफैक्ट हम लोग आगे बात भी करेंगे हिमालयन रीजन की एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन कैसी होती है इकोलॉजिकल एग्री इकोलॉजिकल रीजन कैसा होता है तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे ही करेंगे सो so, ये चीज़ हो जाती है फिजिकल फैक्टर सिमिलरली अगर वही अगर आप प्लेन एरिया में आते हैं तो यहाँ पर भी कंडीशन चेंज हो जाती है यहाँ पर मानसूनल डिपेंडेंस हो जाती है तो मेन जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो यही है दिस इज़ द मेन एग्रीकल्चर इसके अलावा पेनिसुलर इंडिया में आएंगे तो यहाँ पर कुछ हिसाब किताब अलग हो जाता है कोस्टल एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पर हिसाब किताब अलग है और ये क्यों क्योंकि देखिए टेरेन टोपोग्राफी क्लाइमेट एंड सॉइल ये चारों के चारों एक साथ ही काम करता है बिकॉज सॉइल इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑफ टेरेन टोपोग्राफी इज डिपेंडेंट ऑन टेरेन क्लाइमेट इज़ डिपेंड ऑन यू कैन से द काइंड ऑफ टेरेन इज देयर क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टेरेन पर ही डिपेंड करता है तो टेरेन इज वॉट टेरेन इज ए काइंड ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है तो ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इशू क्या है दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नेक्स्ट थिंग इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अब इस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि यही वो चीज़ है जिस पर आप एग्रीकल्चर अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं तो so, यहाँ पर लैंड टेन्योर की एक बड़ी इशू हो जाती है लैंड टेनेंसी हो गई या फिर साइज़ ऑफ लैंड हो गया साइज़ ऑफ़ फील्ड हो गया और लैंड रिफॉर्म्स हो गए तो ये अपने आप में एग्रीकल्चर को डिफ़ाइन करती है कि भाई आपको पास कितना ज़मीन है कितना फर्टिलिटी है किस तरीके की फर्टिलिटी है खुद की है टीनेंट पे है किस तरीके से तो ये सब अपने आप में भी एग्रीकल्चर को डिटरमाइन करते हैं ये भी बताते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है ठीक है नेक्स्ट थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर अब देखिए इरीगेशन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इवन अमंग दीज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इरीगेशन इज द प्राइम थिंग तो इग्रिगेशन भी चीज़ जरूरी होती है इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी से ही आज की डेट में इरीगेशन पॉसिबल है अब हैंडपंप चला चला करके या नदी से पानी निकाल निकाल करके एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती है ट्यूबवेल लगाना पड़ेगा ट्यूबवेल के थ्रू ही पानी वगैरह चलाया जाता है बिकॉज आज के डेट में थोड़ा मेकनाइज तो थो होना ही पड़ेगा उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अलावा रोड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी करनी ही करनी है इनफैक्ट बीच बीच में क्या होती है कि चकबंदी वगैरह की गई है तो ये इसी चीज़ के लिए की गई है क्रेडिट एंड मार्केटिंग अगेन दिस अ इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ऑफ द लोन्स वगैरह इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटी भी डेवलप करना है भाई स्टोरेज वगैरह अगर अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली देर विल बी शॉर्टेज और शॉर्टेज होगी तो फार्मर पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा तो हमेशा उसको दिक्कत तो होगा ही होगा क्रॉप इंश्योरेंस करना क्योंकि अगर कोई डिजास्टर आ गया तो भाई फार्मर को कौन देने वाला है कोई नहीं देने वाला है इशू हो जाएगा तो अगले सीजन के लिए उन्हें कुछ रखना पड़ेगा जैसे सपोज सपोज यू हैव यू आर दिस मैन ठीक है एंड सपोज एनुअली आप ट्वेल्व लैक्स रुपीज़ मान लीजिए कमाते हैं ठीक है सो यू हैव ए फैमिली एंड यू हैव ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपके पास क्या है मान लेते हैं कार भी है प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कुछ अलग लेकर के चलते हैं हम लोग सपोज यू हैव अ कार आल्सो ठीक है कार है कार मान लेते हैं चोरी हो गया ठीक है चोरी हो गया तो क्या अगले दिन आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे सिर पकड़ के बैठ जाएंगे तब भी बैठेंगे जब आपने इंश्योरेंस करा करके रखा हुआ है तो इंश्योरेंस कराने के बावजूद अगर आप सर पकड़ कर बैठ रहे हैं बिकॉज यू हैव लॉस्ट एन असेट एक असेट आपकी निकल गई तो फार्मर के पास सोचिए फार्मर का तो सारा का सारा असेट उसका फार्म ही है उसका ईल्ड ही है उसका प्रोड्यूस ही है अगर इसे इंश्योर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा इनके साथ एक बड़ी दिक्कत है इनकी ठीक है इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह तो करना है ही है आगे अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में मेनली आ जाती है एच सीड हाइल्ड वैरायटी सीड क्योंकि ये हाइल्ड करेगी क्योंकि हर एक क्रॉप की अपनी एक हमारे पास की जो क्रॉप है वो बहुत ही पिछड़ी बैकवर्ड ट्रेडिशनल है तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा ईल्ड वगैरह होता नहीं है दूसरी चीज़ क्लाइमेटिक एडवर्सिटी अगर कोई आती है तो उसको वो सह नहीं पाता है तुरंत फेल हो जाएगा पानी ज़्यादा हो गया तो भी क्रॉप सड़ जाएगी बीज ही जो सीड है वही जो है सड़ जाएगा दिक्कत हो जाएगी केमिकल फर्टिलाइज़र अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि हमारे यहाँ पर यूरिया ही होता है फर्टिलाइज़र के नाम पर और यूरिया में क्या है नाइट्रोजन होता है लेकिन नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम भी होना चाहिए जिसे इग्नोर किया जाता है जो कि अपने आप में एक इशू है इसके अलावा इंसेक्टिसाइड अब आप लोगों ने सुना होगा कि जो है बहुत सारे टिड्डों का अटैक हो गया था तो ये सब लोकस्ट अटैक वगैरह दीज आर वेरी कॉमन थिंग एंड दिस एक्चुअली हैपेंस तो इसके लिए क्या है आपको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है लेकिन इसका हमें आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिला है तो इस कारण से क्या है कि हमें इस पर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है इसे पायलट प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने की ज़रूरत है और इसका सोल्यूशन निकालना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अदरवाइज़ द फंडामेंटल पिलर ऑफ आवर इंडियन इकोनमी एंड आवर इंडियन सोसाइटी इट विल अगर ये शेक कर गया तो फिर आगे अर्थक्वेक आ सकता है बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसके अलावा फार्म मशीनरी करना भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थी तो ऑल दीज फोर फैक्टर्स ब्रॉडली दीज आर द मेन प्राइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर तो ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन आ भी सकता है और अगर नहीं भी आता है तो यू कैन जस्ट सिंपली पुट दीज पॉइंट्स इन अ फ्लो चार्ट तो ये आप लगा करके यहाँ पर दिखा सकते हैं ठीक है थीके? आगे बात करते हैं हम लोग जरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बारे में अब इसमें हमारा सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इरिगेशन इरिगेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए एक तो होती है जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं जो कि अभी मैं करा दे रहा हूँ दूसरी होती है जो डायनेमिक चीज़ें होती हैं और डायनेमिक जो होती हैं वो आपको करंट अफेयर्स से करना होता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इनफैक्ट करंट अफेयर्स में अगर आप मैगजीन uh, फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई भी जोग्राफी फॉर यू एंड कुरुक्षेत्र uh, वगैरह तो इससे आपको काफ़ी अच्छा इनपुट मिल जाएगा एंड दीज आर वेरी इसेंशियल स्टडी मटेरियल फ़ॉर दिस जोग्राफी ठीक है काफ़ी क्वेश्चन क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इरीगेशन इज़ नीडेड इन दोज एरियाज़ हु सफिशियंट मॉइस्चर इज़ नॉट अवेलेबल और ये तो खैर आजकल हर जगह पर हो गया है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द काइंड ऑफ हीटिंग इज़ देयर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग तो इस कारण से क्या है कि ज़रूरी पड़ जाता है वाटर एज वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट क्योंकि सीधी सी बात है हम लोगों ने देखा था कि तीन कंपोनेंट ज़रूरी होता है एक होता है जो सीड्स है एच वाई वी सीड हो गया इरीगेशन हो गया तीसरा फर्टिलाइज़र हो गया तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्रीकल्चर के लिए और कहीं पर भी एग्रीकल्चर कराने के लिए अब देखिए अगर एक डेटा लिया जाए तो प्लांट जो है इट कंटेन्स 90 परसेंट ऑफ वाटर वाटर इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट डिपेंड डज नॉट हैपन अंडर ड्राई कंडीशन ये भी दिक्कत है भाई सीधी सी बात है अंकुरित करना है पानी देना पड़ेगा ना घर में आप लोगों ने चना वगैरह अंकुरित किया होगा तो उसमें पानी पहले रखते हैं फिर उसके बाद से उसमें जब मॉइस्चर आ जाती है तो फिर आप उसको क्या है कि अलग जगह पर रख देते हैं तो उसमें जर्मिनेशन हो जाती है नेक्स्ट न्यूट्रियन डिजॉल्व इन वाटर एंड आर ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट अब यहाँ पर जाइलम फ्लोएम वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यही काम ही है इनका नेक्स्ट वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर तो एक तरीके से ये बचा करके रखता है क्रॉप को ज़िंदा रखता है एक तरीके से ये बोल सकते हैं मॉइस्ट मॉयस्ल में क्रॉप हेल्दी एज प्लांट एब्जॉर्व मिनरल्स थ्रू द वाटर सो ये चीज़ें भी होती हैं तो प्लांट वाटर में क्या होती है मिनरल्स होती हैं इस कारण से फिर आगे चीज़ें फैल जाती हैं 2018 के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए ओनली फोटी परसेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ लेड हैज़ इरीगेशन फैसिलिटीज़ और बाकी मानसूनल डिपेंडेंस ही है इरीगेशन इज़ अ बेसिक प्रीडक फॉर द सक्सेस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी सच एज़ हाइब्रिड ईल्ड वेराइटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि मोर देन एट्टी परसेंट ऑफ द वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज़ यूज फॉर इरीगेशन इनफैक्ट दिस इज़ नॉट ओनली एटी परसेंट ये मोर देन एटी परसेंट नीयर अबाउट नाइन्टी परसेंट जो है वो यूज़ हो रहा है और इसमें 60 परसेंट से ज्यादा तो ग्राउंड वाटर ही है ग्राउंड वाटर का मतलब जो पीने वाला पानी होता है वही यूज हो रहा है सीधी सी बात है ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा फिर द इिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज अबाउट 102 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द टोटल पोटेंशियल क्रिएटेड हाउ वर ओनली अबाउट 87 मिलियन हेक्टेयर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है वो हमारी काफी पुअर परसेंटेज है जो यूज हम लोग कर रहे हैं अब देखिए इसमें क्या है कि कई सारे सोल्यूशन भी सुझाए गए हैं सॉल्यूशन में एक तो ये बताया गया है कि हम लोग इरिगेशन में मैनेजमेंट कर सकते हैं इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगेन हम लोग क्या है कि कई सारे टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट ये जनरली उस जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर टैंक इरीगेशन वगैरह की जाती है साउथ के स्टेट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग नॉट ओनली इन द सदरन इंडिया बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी इंपॉर्टेंट है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका यूज किया जाता था सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो एरिया है ये जो टॉपिक है ये डायनामिक है और इसे कंटिन्यूसली आपको न्यूजपेपर के थ्रू मैगजीन्स के थ्रू इंटीग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए वो है वाटर सेविंग इरिगेशन मेथड्स जैसे कि माइक्रो इरिगेशन। अब देखिए माइक्रो इरीगेशन में बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक होती है एक होती है जो स्प्रिंकलर होता है जो कई बार आप लोगों को स्टेडियम वगैरह अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर स्प्रिंकलर आपको दिख जाएंगे दूसरा होता है ड्रिप इरीगेशन तो खैर ड्रिप और स्प्रिंकलर के बारे में तो बहुत ही बेसिक है आप लोग जानते होंगे जी में भी पढ़े होंगे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इरीगेशन के लिए किस किस तरीके के सोसेज इस्तेमाल किए जाते हैं तो देखिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है वेल ट्यूबवेल के नाम पे ट्यूबवेल कैनाल और टैंक दीज आर द मेजर थिंग्स और इनकी भी अगर परसेंटेज वाइज अगर देखी जाए सो वी हैव वेल्स में अगर बात करें कुएं वगैरह में तो 16 परसेंट ट्यूब मोस्टली यूज़ किया जाता है फोर्टी परसेंट के नियर अबाउट कैनाल 24 परसेंट और टैंक जो है थ्री परसेंट ही केवल यूज़ किया होता है और बाकी अदर सोर्सेज में जैसे ट्रेडिशनल तरीका जो होता है वो सब जो यूज़ किया था वो नियर अबाउट 11 परसेंट है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये डेटा अगेन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है मोरलेस देखिए यही रहता है क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका थोड़ी ना खत्म होने वाला है लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे से एक बार इसको कंफर्म करते रहिएगा हर साल क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्लक्चुएशन हो जाती है इनफैक्ट इधर फ्लक्चुएशन होती है कैनाल में ट्यूबवेल में और टैंक में इधर होती है तो ट्यूबवेल तो खैर ये तो है ही ये तो बना ही रहता है सोर्सेज ऑफ इरीगेशन में अगर बात करें तो हमारे पास मेनली दो तरीके के होते हैं सोर्सेज एक होता है जो सरफेस बेस्ड सोर्स होती है दूसरी होती है ग्राउंड वाटर बेस्ड सोर्सेज ग्राउंड वाटर वेस्ट का मतलब हो जाता है जैसे एक्वीफर्स हो गए ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी वगैरह हो गई सरफेस का मतलब होता है जैसे रिवर हो गया या फिर पॉन्ड हो गई या फिर जो भी लेक्स वगैरह हो जाती है या फिर इनफैक्ट आर्टिफिशियल लेक्स वगैरह वाटर शेड वगैरह हो गया तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सरफेस बेस्ड में आ जाती हैं ट्रेडिशनल में अगर बात करें तो देखिए आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो याद कर लीजिएगा जैसे रहट हो गई चेन पंप हो गया दकेली हो गई बैम्बू इरीगेशन जैसे मेघालय वगैरह में किया जाता है मेघालय में बैम्बू की बहुत ज़्यादा इम्पोटेंस है टैंक इरीगेशन हो गई डग वेल इरीगेशन सिस्टम हो गई ऑर्डेनरी वेल ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेडिशनल तरीका है इसके अलावा अगर मॉडर्न तरीके के बारे में बात किया जाए तो हमारे पास कैनाल इरीगेशन हो गई शैलो ट्यूब वेल हो गया बोरवेल well हो गया ठीक है कन्फाइंड एंड अनकफाइंड ग्राउंड वाटर यानी कि वही एक्यूफर दो तरीके के होते हैं एक होता है जिसे कन्फाइंड बोलते हैं लाइनिंग होती है जिसमें और एक होता है अनकन्फाइंड लाइनिंग नहीं होती है जस्ट एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फ्रॉम द कन्फाइंड जोन ऑफ ग्राउंड वाटर इट एक्सट्रैक्ट वाटर जनरली फिफ्टीन टाइम्स मोर देन अ शैलो ट्यूब वेल स्प्रिंकलर इरीगेशन एंड ड्रिप इरीगेशन ये दोनों भी मॉडर्न इरीगेशन टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो टाइप ऑफ इरीगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरली तीन तरीके के होते हैं एक होता है माइनर इरीगेशन दूसरी होती है मीडियम और तीसरी होती है मेजर इरीगेशन सिस्टम देखिए ये बेसिकली लैंड पर डिपेंड करता है कि इस तरीके की लैंड है और कहा जैसे अगर मान लेते हैं एक हजार हेक्टेयर से अगर कम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनर इरिगेशन एक हजार से दो हजार के बीच में जब होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम इरिगेशन और अगर दो हजार से भी ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग मेजर इरीगेशन सिस्टम तो ये भी एक छोटा सा कैटेगराइजेशन है जो आपको पता होना चाहिए कई बार देखिए इसे क्लासिफिकेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से भी किया जाता है तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब सीधी सी बात है लैंड बड़ा होगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी तो लगेगा ही लगेगा तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में इंटर डिपेंडेंट ही हैं ज़्यादा कुछ खास नहीं है मोरलेस थिंग्स आर सेम एक ही जैसी हैं अप्रॉक्सली थर्टी थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द इरीगेशन जो है वो मेजर एंड मीडियम इरीगेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है और सिक्सटी सिक्स परसेंट जो होती है वो माइक्रो इरीगेशन के द्वारा किया जाता है एक छोटा सा यहां पर और आपको सरप्राइजिंग थिंग बताता हूं आप लोग यहां देख रहे होंगे कि वन बाई थ्री इरीगेशन केवल और केवल जो है मेजर और मीडियम से किया जा रहा है लेकिन मोर देन सिक्सटी परसेंट जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वो इन्हीं चीजों के डेवलपमेंट में किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेजर इरीगेशन तो अब ये बताइए वेदर वी आर वी आई मीन आर वी वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज क्या हम लोग अपने फंड को वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक वेस्ट ही कर रहे हैं देखिए गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि मेजर को अगर हम टारगेट कर लेंगे तो भाई सीधी सी बात है कि इलाका हमारा क्योंकि 2000 हज़ार स्क्वायर फीट मतलब दो हज़ार हेक्टेयर ये कवर कर रहा है तो भाई ज़्यादा लैंड कवर करेगा लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारे इंडिया में एलियनेशन ऑफ द लैंड है जिसके कारण से हर लोग इरीगेशन करा पाने में सक्षम भी नहीं है एंड अगेन देर इज अ प्रॉपर्टी थिंग तो इस वजह से क्या है दिक्कत भी है नाव ये वो तरीका बताया गया है कहाँ कहाँ पर किस तरीके से इरिगेशन होती है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है कैनाल सिस्टम है अब कैनाल में अगर आप देखेंगे तो दीज एरियाज आर ऑफ कनाल इरिगेशन ये सब पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ईस्टर्न राजस्थान ये सब इलाके करान कनार वाले हैं टैंक इरीगेशन देखेंगे तो मेनली आपको साउथ इंडिया में देखिए कैनाल है दिस इज दिस इज एक्चुअली टैंक दिस इज टैंक नॉट कैनाल दिस इज टैंक यहाँ पर भी टैंक है यहाँ पर भी टैंक है यहाँ पर भी टैंक है तो ये सब टैंक इरीगेशन वाले हैं बाकी वेल well वाले कौन लोग हैं ये है देखिए ये वेल से है यहाँ पर भी वेल है यहाँ पर भी वेल है तो ये सारे इलाके जो होते हैं वेल बेस्ड इरीगेशन सिस्टम यहाँ पर है अगर यहाँ पर देखें टैंक में तो देखिए टैंक का मेन इलाका आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा तो साउथ इंडिया में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है बाकी देखिए यहाँ पर भी कुछ कुछ मिल जाती हैं बट जो मेन एरिया है वो सदर्न इंडिया ही आपको देखने को मिलेगा सो दैट इज़ द अगेन इंडियन मैप जहाँ पर आप इरीगेशन को देख सकते हैं आगे देखिए छोटा छोटा कंसेप्ट है जैसे कि सीड इंफ्रास्ट्रक्चर अब देखिए सीड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात किया जाए तो हमारे पास पहले क्या होता था कि जो हमारी सीड की वैराइटीज़ होती थी वो बहुत ही लो इल्ड होती थी और लो इल्ड होने की वजह से हमारी जो भी क्रॉप की प्रोड्यूस आती थी वो भी बहुत गड़बड़ आती थी तो प्रोड्यूस होने के कारण से क्या होता था कि मेहनत बहुत ज़्यादा लेकिन उसके बदले में रिटर्न या तो कम मिलेगा या फिर हाई प्राइस पर बिकेगा तो हाई प्राइस पर बिकेगा तो सीधी सी बात है पॉवर्टी फैलनी ही फैलनी है तो इसके कारण से क्या हुआ कि फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और ग्रीन रिवोल्यूशन के बेसिस पे हमारे पास फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स वगैरह आ गई या फिर आप इसी को बोल सकते हैं कि हाई ईल्ड एच सीड्स वगैरह आ गई एच सीड का मतलब ये हो गया कि इससे हमारी ईल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और इस कारण से जो ये पॉवर्टी वाली चीज़ थी वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया तो इसने काफी अच्छा काम किया था बाकी ग्रीन रेवल्यूशन में हम लोग काफी अच्छे से डिस्कस भी करेंगे लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन की ये है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है हमारे पास क्या है कि कई तरीके की सीड है जैसे कि शुगर केन हो गया ये अभी फिलहाल आ, डिस्कस किया मतलब कि इस पर रिसर्च हो रही है बीटी ब्रिंजल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा इस पर भी चल रहा है इसके अलावा बीटी टी ब्रिंजल के अलावा कॉटन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कॉटन पर भी चल रहा है ठीक है तो वी हैव लॉट ऑफ क्रॉप जिस पर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ चुकी हैं लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है और गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल नहीं दिया उसके पीछे दो कारण है पहला कारण इन्वायरमेंटलिस्ट ये हल्ला बचाते रहते हैं और दूसरा कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो कैसा होगा क्योंकि देखिए बॉलबॉम अटैक वगैरह हमें देखने को मिला है जब हम लोगों ने कॉटन की जेनरेटिकली मॉडिफाइड सीड लगाई थी तो एक बड़ा इशू हो गया था एंड दैट इज़ बाय अगेन हमें ये काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है बाकी देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाई जा चुकी है तो ऊपर आपको आई बटन में दिख भी रहा होगा आप उसे जाकर के फॉलो कर सकते हैं देख सकते हैं दिस विल बी इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर फिल्म एग्जामिनेशन अदरवाइज देखिए इसकी नॉलेज होनी आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं पर भी कभी भी पूछा जा सकता है दूसरी जो चीज़ है दूसरी जो इशू होती है वो होती है पेटेंट की इशू पेटेंट के इशू का मतलब यह है कि देखिए इन क्रॉप से जो भी सीड जर्मिनेट होती है जो भी सीड निकलती है वो फार्मर अपने पास रख नहीं सकते हैं तो पहले ऐसा होता था कि भाई यहाँ पर फार्मर रख नहीं सकते थे क्योंकि पेटेंट का इशू था पेटेंट लॉ ब्रीच हो जा रही थी तो ये कई सारे यहाँ पर हमें कोर्ट केसेस वगैरह देखने को मिले थे कई सारे इश्यूज वगैरह देखने को मिले थे तो इसको देखते हुए अल्टीमेटली हुआ ये कि जो भी इम्पोर्टेड क्रॉप्स थी या फिर जो भी पेटेंटेड क्रॉप्स थी अब उनमें ऐसी डेवलपमेंट कर दी गई है कि उनसे सीड डेवलप हो ही नहीं पाता है तो इन्हें हर साल क्या है कि नई सीड जाकर के खरीदनी पड़ती है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट एक्स्ट्रा बर्डन तो दिस इज द थिंग सो so, इस वजह से गवर्नमेंट को अभी सीड इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी डेवलपमेंट करने की जरूरत है इनफैक्ट इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ये काफी अच्छा काम भी कर रहा है तो इस पर अभी फोकस चल रही है इस पर अभी डेवलपमेंट चल रही है तो हो सकता है फ्यूचर में एक अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिले रिगार्डिंग दिस सीड इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि सीड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको जानकारी होनी चाहिए दूसरी होती है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अब देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है इट इज इंपॉर्टेंट देखिए सॉइल में एक न्यूट्रिएंट का मैनेज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक होता है जिनको हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और दूसरा होता है जिसे हम लोग माइनर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं मेजर न्यूट्रिएंट का मतलब होता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैलश दिस पोटेशियम माइनर में क्या होती है जैसे हमें सोडियम भी, भी चाहिए होता है एलमिनियम भी चाहिए होता है सल्फेट भी चाहिए होता है कार्बोनेट भी चाहिए होता है ठीक है के और कैल्शियम भी चाहिए होता है मैग्नीशियम भी चाहिए होता है तो हमें कई सारी चीज़ों की जरूरत होती है मैंगनीज़ भी चाहिए होता है तो कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो न्यूट्रिएंट में क्या होता है कि आज की डेट में न्यूट्रिएंट का मतलब है फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र का मतलब है यूरिया तो यूरिया के कारण से हो क्या रहा है कि सॉयल में एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आ जा रही है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन आने के कारण से अगेन जो ये इकोसिस्टम है जो कह लीजिए कि सॉयल इकोसिस्टम है वो अगेन डिस्टर्ब हो जा रहा है और डिस्टर्ब होने के कारण से अगेन देर इज अ प्रॉब्लम ठीक है तो इको कहीं पर भी डिस्टर्ब होगा तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा तो एक बड़ा इशू देख करके हमें देखने को मिल रहा था इसके कारण से हो क्या रहा था कि न्यूट्रिय के कारण से अगर मान लीजिए आपने एच सीड लगाई भी है तो उसका उतना ईल्ड ज़्यादा ईल्ड जो इसकी कैपेसिटी वाली ईल्ड है वो नहीं मिल पा रही है इरिगेशन के लिए भी जो कंडीशंस है वो बदल गई हैं जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है तो इस कारण से भी दिक्कत हो रही है तो न्यूट्रिएंट मैनेज करना भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसके अलावा देखिए न्यूट्रिएंट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने को बट uh, uh, हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और हम लोग ये बात करेंगे आर वाले चैप्टर में रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग जो कि आई गेस टू चैप्टर आफ्टर टू चैप्टर वी विल डिस्कस दिस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो पॉपुलेशन जोग्रफी है ठीक है पॉपुलेशन जोग्रफ़ी पेपर टू में ठीक है कल्चरल सेटिंग वगैरह दूसरी सेटलमेंट जोग्रफी के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग आएंगे आर पे तो हम लोग आर में बात करेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रियट मैनेजमेंट को लेकर के तो वहाँ पर हम लोग न्यूट्री मैनेजमेंट को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे सो यू कैन जस्ट स्किप दिस टॉपिक फॉर टुडे सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी आर स्टॉपिंग हियर और अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली यू कैन सेंड योर ईमेल मेल पर बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच